हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झोरी ब्रिजवासी ब्लॉग में फिर उपस्थित हूँ एक बार आप सभी नटखट मित्रों के समक्ष। कैसे मेरे दोस्तों, कैसे हो? आनंद में हो, रमण में हो, ठाकुर जी की सानिध्यता में हो, अच्छी बात है। आज हम बाजार में बैठे हुए थे एक जगह, तो मैंने बड़ा विचित्र अलौकिक दृश्य देखा कि देखो किस तरीके से लोग बाग कितना व्यवस्था के मजबूर पैसे के अभाव से अपने किस तरीके से क्या क्या व्यवस्था करते हैं, जिसकी जानकारी प्रदान करता हूँ। मैं एक जगह बैठा हुआ था बाजार के अंदर, झोरी बाजार में, तो एक व्यापारी और उसका एक व्यक्ति आया, जिससे वो व्यापार का लेन देन का प्रस्तुतिकरण उपस्थित होता रहता था। उसने आज का किसी को समय दिया था पैसे देने का, बोला मैं आज आपको करा दूंगा। वो 2 महीने, 2.5 महीने, 1.25 महीने से तकरीबन मान लो कह रहा था, उससे कह रहा था सोमवार को करा दूंगा, मंगल को करा दूंगा, बुध को करा दूंगा, बृहस्पति को करा दूंगा, शनि को करा दूंगा, जैसे भी उसको आगे से समय मिल रहा होगा। वो भी तो बेचारा कहीं लगा हुआ होगा आस में कि यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से आएगा, मैं यहाँ पहुँचा दूंगा। जो आदमी इज्जतदार होगा वो तो यही सोचता है। अब उसका व्यवस्था दिखाता हूँ आपको मेरे दोस्तों, सुनिएगा। तो तकरीबन उसका हिसाब होगा 1,00,000 रुपये मान लो, जो बातचीत चल रही थी, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, तकरीबन ये इतने का ही हिसाब होगा 1,00,000 रुपये का। तो वो चल दिया बाजार में, अपने वहाँ बैठा हुआ था, हाँ गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, मैं जरा भटक गया था थोड़ा सा। तो वो बैठा हुआ था गद्दी के ऊपर और मैं बैठा हुआ था वहाँ पर भी, वो बैठा हुआ था और वो जो मालिक था उस गद्दी का, वो भी बैठे हुए थे वहाँ पर। तो उस व्यक्ति ने कह रहे थे, वो आपस में बातचीत चल रही थी वहाँ पर, कि भाई वो आज का समय तुमने पेमेंट के लिए हमको दिया है, आज सोमवार आपने बोला था, आज शनिवार हो गया है, आपने कहा था कि लास्ट आपको 2 तारीख तक पेमेंट पहुँच जाएगा। तो व्यक्ति कहता है, देखिए साहब, जहाँ से मेरा व्यवस्था होनी थी पैसे की, आगे से जो आना था वो अभी हाथ में हमारे नहीं आया है, आप थोड़ा सा सोमवार मंगलवार तक रुक जाएं, क्योंकि वो 1.5-1.75 महीने से यही कह रहा था। क्यों? क्योंकि उसका आगे से हाथ में भी, किसी के हाथ में जब तक पीछे से नहीं आएगा तो आगे वाले को जाएगा कैसे? ये तो चैन दर चैन जुड़ी हुई है व्यापार के अंदर, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से उसके पास आया था दे देता। चलो जैसा भी था, वो बातचीत चल रही थी, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ बोला होगा या क्या होगा, मैं नहीं जानता उस चीज को, मैं तो देख रहा हूँ। मैं अंदर खाने की बात तक तय तक नहीं पहुँचना चाहता था, जो हो रहा था उसको मैं अपने चक्षुओं से, नेत्रों से उसको अवलोकन कर रहा था, देख रहा था, सुन रहा था कानों से भी। बोले पैसे आज चाहिए, कहीं से भी चाहिए, कहीं से भी लाओ, कैसे भी करो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए उसी का सामान लेके गया था कि मैं इसको दिखा देता हूँ, क्या पता ये बिक जाए तो पैसे पहुँच जाए, जहाँ से नहीं आ रहे हैं तो पीछे से 4 जगह से उसको पैसे लेने थे। उसका लेने का तो उससे ज़्यादा था जो देना था, तकरीबन ही मान लो 11-12 लाख रुपये का हिसाब था उस व्यक्ति का। तो उसने उनसे पूछा, भाई अब नहीं होगा, बहुत समय दे दिया आपको। भाई सही बात है भाई, अगले का भी एडजस्टमेंट रहता है आगे से आगे, उसकी भी ईमानदारी देखो। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने कुछ अंगूठी पहन रखी थी हाथ में, तो उसने उसको उतारा, बोले ये आपका दिया हुआ नगीना है, जमा कर लो, अभी व्यवस्था नहीं है, जो बाकी का हिसाब है मैं सोमवार या मंगलवार या बुधवार, जो भी उसने बोला होगा मैं भूल चुका हूँ। तो उसने उसको उतार के दे दिया और एक सामान जेब में जो उसका था उसको जमा करा दिया कि भाई साहब आपका ये 55-60 हज़ार रुपये का सामान है, अब इसको जमा कर लो, हमको ही बताओ कितने बाकी रह गए। बोला भाई ऐसे तो हम ले नहीं सकते हैं, इस पे तो टैक्स कटेगा वापसी का। तो व्यक्ति बोला, क्योंकि उसकी नीयत साफ है लेकिन इस समय उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है मेरे दोस्तों, ये सत्य है, सबके साथ होता है ऐसा कि नियत वाला इंसान, जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो कैसे ना कैसे करके
चाहता है कि हाँ ये हो, खत्म होए कहानी, लंगड़ रोज रोज का बंद हो, अगर नहीं आता है आगे से तो ऐसे ही करता है। तो उसने उसको सामान दिया, बोले 5% नहीं कटेगा, 10% कटेगा, ये आपका सोना लग रहा है इसमें, ये हम इसको एडजस्ट करेंगे इसमें। तो बोले कर लो भाई, उसको तो खत्म करनी है कहानी, कर लो जमा। उसने बोल दिया 10% से काट के हिसाब खत्म करो, 50,000 का हिसाब हुआ, काट लो 5,000 10% से। एक सेकंड में उसने मना नहीं करा, हिचका नहीं। वो व्यक्ति में देख रहा था वहाँ जो चल रहा था, तो मैं समझ गया मैंने आदमी सही है, जो हिसाब किसी भी माध्यम से दे रहा है उनका सामान ही उनको वापस दे रहा है तो अच्छी बात है गुरु, क्योंकि हम इस चीज़ का भोग भोगे हुए हैं। हमने 35 लाख रुपए के माल अपने हाथ से अपने मिलने वाले को दिया था, हमारा जानकार था खास, वो आता था ले जाता था हमसे कि मुझे ये बेच लूँगा, कोई आया हुआ बम्बई की पार्टी आई हुई है, दिल्ली की आई हुई है, कानपुर की आई हुई है, ऐसे करते 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 कि मैंने अपने काम में ले लिए। वो जानता था ये आदमी कैसा है, फिर भी वो व्यक्ति हम मदद कर देते थे उसकी, हम देते थे उसको ले जा, तेरा काम होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से किसी भी आधार से। तो ये मेरा कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, हम तो सब जिज्ञासा यही रहती मदद करते, लेकिन हाँ हम उस व्यक्ति की जगह वहाँ उपस्थित होते और हम बैठे हुए होते सीट के ऊपर और सामने वो होता, तो हम उससे ये नहीं कहते भाई तूने जो पेन रखा है इसको पेन जब तेरे पास आ जाए 2-3 दिन में दे देना। हमने ऐसा ही किया है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं 1% झूठ नहीं बोल रहा इस बात में, क्योंकि कई बार हमारे पास पेमेंट नहीं आता था, लोग बात कहते थे मनीष भाई ये वापस ले लो, हम इसके पैसे आपको अभी नहीं दे पाएंगे, अभी समय लग जाएगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था अभी पीछे से टाइट है, जब तक पीछे से फ्लो नहीं आएगा तो आगे वो फ्लो से जाएगा नहीं। हमने उसको रोक दिया, मैंने पहन ले भाई जब तेरे पास आ जाए दे देना। तो हमने तो ऐसे ऐसे नगीने लोगों को दे दिए जिसका कि कथन करना ही बड़ा ही विचित्र होगा। हमने तो लोगों की बड़ी बड़ी मदद करी है, विचित्र विचित्र तरीके से मदद करी है, कोई क्या कर सकता है किसी की मदद, कोई नहीं कर पाएगा संसार में, कहीं पर भी नहीं हो पाएगी वो मदद किसी से भी। मैं कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू बनना, यह मियाँ मिट्ठू नहीं है, मैं इसको प्रमाण के साथ प्रस्तुतिकरण दे सकता हूँ कि मेरे पास उन लोगों को जिन जिन को मैंने सामान दिए थे, जिनको 2016 में 17 में 18 में 19 में 20 में 21 में फिर मैंने अपना हाथ खींच लिया था कि मैं अब नहीं दूंगा, मैंने अपने कार्यभार करने का तरीका ही बदल दिया। आज भी मैं बाजार में से 50 के करीब मेरा उधारी है जो मुझे लेनी है दोस्तों, लेकिन वो लोग इतने निकृष्ट हैं, मैं सत्य बता रहा हूँ आपसे, मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, मैं भविष्य में कभी खोलना चाहूँगा तो बोलूँगा, इतने निकृष्ट हैं वो लोग, उनके कानों पे जूनी रेंगती है जिनसे मुझे पैसे लेनी है, उनके कानों तक में ये भी खबर नहीं जाती है कि हाँ इनका हिसाब कर दो, 1,00,000 करके कर दो, 2,00,000 करके कर दो, 3,00,000 करके कर दो, उनकी जिज्ञासा ही नहीं है चुकाने के लिए। खा गए वो, ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि इनके बाप का माल है, इनको विरासत में मिला है, जो हमारे सामानों को दाब के बैठ चुके हैं। वो व्यक्ति करता क्या था, माल हमसे ले जाता था, बेचता नहीं था, झूठ बोलता था, गिरवी टेक देता था उस सामान को। दोस्तों वैसे होते हैं व्यापार, जो लोग बाग चूतिया बनाते हैं दूसरे को, उसकी सराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं, और जब उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो कहते हैं आगे है नहीं करा देंगे, भी रुको ठहरो सबर करो, यही डायलॉग चलता रहता है और यही चल रहा है, क्योंकि समय समय पे सबको पैसे की आवश्यकता होती है मेरे भाइयों। ये पैसा ऐसी चीज़ है ना, ये सारे रिश्तों को बिगाड़ देता है संसार के, तो ध्यान रखना जिस भी माध्यम से हो मदद करो सबकी, जानते हो कि ऐसा है फिर भी उसकी व्यवस्था मदद करना, उसकी मेरा तो यही कथन होगा।
लेकिन एक हद तक, एक हद दायरा होता है कि यहाँ तक करना है। आज के लिए थोड़ा सा कथन ज़्यादा है मेरे दोस्तों, मैं इसको यहीं विराम दूंगा, इस चर्चा को किसी और दिन करेंगे। जय सिया राम, जय राजा राम, आपका हूँ आपका रहूँगा, जय सिया राम।